नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विदिशा में लगातार कोरोना के चलते मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज ही बड़ी संख्या में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पेशेंट्स की मौत हो गई, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन इन खबरों को बाहर नहीं आने दे रहा। अभी खबर लिखे जाने तक 14 कोरोना से मौतों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जब तेज गति से जा रही एम्बुलेंस एक कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज के बाहर ही एम्बुलेंस में से निकल कर बाहर गिर पड़ी। इसको देखते ही परिजन बड़ा आक्रोशित हो गए हैं। निश्चित ही जिला अस्पताल प्रबंधन बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही कर रहा है। विदिशा में कोरोना से मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 20 से लेकर 25 लोगों की मौत हर दिन कोरोना से हो रही है। गुरुवार को ही 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन आज एक बार फिर बड़ा आंकड़ा बाहर आ रहा है। लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। आज बीती रात और सुबह खबरें सामने आई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर लिखे जाने तक 14 लोगों की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन शेष जानकारी देने को कोई भी तैयार नहीं है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जब ऑक्सीजन की कमी और उससे होने वाली कैजुअलिटी की जानकारी कलेक्टर तक आई, तो रात 1:30 बजे से जिला कलेक्टर से लेकर पूरा जिला प्रशासन अस्पताल के अंदर था। बाहर से गेट लगा दिए गए, ना ही किसी प्रकार की खबर थी। सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे कलेक्टर अपने बंगले को निकले, लेकिन एसडीएम और अन्य अधिकारी वहीं डटे रहे। जब लगभग शुक्रवार को 2 बजने आए, तब तक 14 लोगों के शव अस्पताल से एम्बुलेंस के द्वारा मुक्तिधाम और अन्य स्थानों पर भेजे जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन और कितनी मौतें आसियान के अभाव में हुई हैं, ऑक्सीजन के अभाव में हुई हैं, इस बात पर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से देखिए। जब एक जर्जर एम्बुलेंस में डेड बॉडी को रखकर एम्बुलेंस मुक्तिधाम की ओर जा रही थी, इसी बीच जर्जर एम्बुलेंस का गेट खुलता है और कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी, जो पूरी तरह प्लास्टिक में पैक थी, एक और सड़क पर फेंक जाती है। इसके लाइव फुटेज में कैमरे कैद हैं। इसे देखकर परिजन हंगामा करने लगते हैं। उनका कहना है कि हमें कोई सूचना भी नहीं दी जा रही है, हम 2 दिन से परेशान हैं, मरीज की कोई जानकारी नहीं देने दी जा रही है। जब आते हैं तो कहते हैं कि वो मर चुका है। आज भी एक डेड बॉडी सड़क से एम्बुलेंस से फेंक दी गई। इससे अच्छा है कि हम सबको जहर देकर मार डालो। और वहीं हमारे परिजन की डेथ हो गई है, लेकिन हमें पता नहीं है, ऐसा कहना है परिवारजनों का। आपका? जी, मेरा नाम भागीरथ प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भोपाल से आया हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे पिताजी कल रात 8 बजे से डेथ हुई है, अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं है सर। और यहाँ क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऊपर पेशेंट को क्या मिल रहा है, कोई टेबलेट मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहा है, कोई चीज की जानकारी नहीं है। कल रात 8 बजे से लेकर 12 बज गए, आपके पिताजी की बॉडी आपको नहीं मिली? नहीं मिली सर। क्या बोल दिया जाता है आपसे? कुछ नहीं सर, बस बोले अभी बताते हैं, कुछ ऐसा जवाब संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं मिल रहा हमको। अभी कोई जानकारी लगी आपके अंदर से कितने लोगों की? कुछ नहीं सर, अब कोई जानकारी ऊपर की कुछ नीचे आ ही नहीं पा रही है सर। ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता। अपना पेशेंट लाओ, ऊपर डाल दो, उसके बाद कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। कितने दिन से भर्ती थे आप? सर, परसों में लाया था, ऑक्सीजन लेवल अच्छा था, 98 हो गया था, फिर एकदम फोन आया तो बोल रहे हैं कि डेथ हो गई। 98 होने के बाद सर फिर अचानक से कैसे डेथ हो गई सर? क्या कारण बताया जा रहा? कुछ नहीं बता रहा सर, ये कुछ बोल ही नहीं रहे कि कैसे हुआ क्या हुआ। मैं खुद देख के आया था, 98 लेवल हो गया था। रेडी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश लोधी है, हम ग्राम हरिनगर अमरावत रायसेन तीनों के रहते हैं हम। आपके परिजन में कौन खत्म हो गया? हमारी माता जी शांत हो गई हैं, लेकिन हमको देखने नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले, ना मिलने दिया हमको। और हम आते हैं तो भगा देते हैं कि ठीक है, पता नहीं है हमको, तो ये भी पता नहीं है कि आज शांत हुई है कि कल शांत हुई है। अभी तक बॉडी नहीं दिया? ना बॉडी दी हमको, ना देखने दिया, ना मिलने दे रहे हम लोगों को। कब से परेशान हो रहे हैं हम? तो दिन भर हो जा रहा है हमको परेशान होते होते। और कल भी आए हमारे लड़के, हम भी आए कल, फिर भी हमको मिलने नहीं दिया, ना बताने दिया हमको कि ये लोग कैसे का कर रहे हैं। कम से कम इतना कर दे कि जहाँ पे टीवी लगा दे, ये 2 लोग और भी मरीज परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं, कम से कम वो देखा जाए। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ,
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रंजीत सिंह अजमानी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं विदिशा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश। क्या परेशानी आ रही है आपको? हमारे परिजन की मृत्यु हो गई थी रात में 2:30 बजे। हम सुबह 5 बजे से यहाँ पे हैं। जिला प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि हमें हमारी डेड बॉडी परिजन की मिल जाए। हम सुबह से परेशान है, धूप में खड़े होने दे नहीं रहे, डंडे चला रहे हैं। ऊपर से SDM साहब भी आए, उन्होंने भी पूछताछ की, कुछ नहीं कर पाए, वो भी चले गए इस गेट से उस गेट पे। आपने डेड बॉडी के लिए जब बोला तो क्या बोल दिया गया आपसे? हमसे बोला आधार कार्ड लेके आओ, बैठो, अभी वेट करो, अभी होएगा, कुछ होएगा, कुछ होएगा। 4 घंटे हो चुके, कुछ नहीं हुआ है। हम 8 लोग परेशान है, हमें बैठने भी नहीं दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था है नहीं है, धूप पूरी पड़ी है। सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। दिस पीपल आर थिंकिंग लाइक वी आर स्टूपिड, वी आर लिटरेट पीपल स्टैंडिंग हियर, राइट? इवन द SDM कुडंट डू एनीथिंग, वी आर जनरल पीपल, दे शुड हेल्प अस रादर देन मेकिंग अस यू नो मोर डेस्परेट टू अटेम्प्ट सुसाइड इन समथिंग। व्हाट वी कैन डू, वी कैन इवन ब्रेक द थिंग्स, बट वी आर लाइक यू नो सिविलाइज्ड सिटीजंस, वी ट्राइंग टू लाइक यू नो मेक सेपरेट वेज टू वी कैन फाइंड अवर पीपल्स, अदरवाइज दे आर ट्राइंग लाइक यू नो दे आर ट्राइंग टू पुश अस टुवर्ड्स द एज वेयर वी शुड अटेम्प्ट समथिंग इललीगल व्हिच वी डोंट वांट टू डू। पानी नहीं है अभी। कहाँ पर नहीं है? ऑक्सीजन में पानी। और क्या दिक्कत आ रही? कौन भरती है आपका? पापा। पापा भरती है। कहाँ रहते हैं आप? नहीं कर रहा। क्या क्या समस्या आ रही है अस्पताल में अभी, आपको पता होगा? चुना है अभी। क्या हुआ उनको अभी? ऑक्सीजन में पानी नहीं है बस, और कुछ नहीं। पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सांस लेने तकलीफ हो रही है। और थैंक यू। आगे और हर कोई व्यक्ति जो है अपने परिजन की स्थिति जानने के लिए चिंतित है। उनकी चिंता स्वाभाविक भी है, लेकिन सभी लोगों को अंदर भेजा जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए गेट लगा करके रखा जाता है। उनका आक्रोश इस बात पर भी था कि लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, अंदर जो हेल्पलाइन के लिए नंबर डाले हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो चिकित्सक प्रायः इलाज में लगे होते हैं या अन्य किसी व्यस्तता में लगे होते हैं, सभी लोगों के फ़ोन अटेंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है।